नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली का चिड़ियाघर। अभी थोड़ी देर पहले हमने टिकट ले लिया है और हमको 80 रुपये का टिकट पड़ा है। और यही जो सामने ये देख रहे हैं यही है एंट्री गेट, एंट्री गेट से हम अंदर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आपको ये दिल्ली का चिड़ियाघर दिखाते हैं जिसमें सभी तरह के जानवर देखने को मिलते हैं। और इस चिड़ियाघर को नेशनल जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और यही रास्ता जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई लव जू दिल्ली के बारे में बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है। तो आइए अब चलते हैं चिड़ियाघर के अंदर और आपको दिखाते हैं एक से एक जानवर और तरह तरह के जीव जंतु। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों चिड़ियाघर में सबसे पहले आपको वाइट टाइगर दिखाते हैं। देख सकते हैं वहाँ पर एक वाइट टाइगर है जो कि टहल रहा है। देख सकते हैं आप, वाइट टाइगर जानवरों में सबसे हिंसक माने जाते हैं और काफ़ी विशाल आकार भी है। अभी सुबह के टाइम है इसलिए बहुत सारे जानवर अभी निकले नहीं हैं, थोड़ी देर में सभी जानवर निकल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट टाइगर के बारे में भी दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चिड़ियाघर में दोस्तों आप आते हैं तो आपको वाइट टाइगर भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी सारे जानवर दिखाते हैं। आइए दोस्तों आपको एशियाई सिंह दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये भी जानवरों में काफ़ी हिंसक माने जाते हैं, इनकी जो दहाड़ होती है बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत तेज़ ये दहाड़ मारते हैं। लेकिन अभी ये लग रहा है कि भोजन की तलाश में है इसीलिए ये दहाड़ नहीं मार रहा है। तो देख सकते हैं इस चिड़ियाघर में आप आते हैं तो आपको एशियाई शेर भी देखने को आसानी से मिल जाएगा और इस शेर का आकार भी काफ़ी बड़ा है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी जानवर दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियाई सिंह के बारे में भी दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मूल रूप से ये जंगल के ही रहने वाले ये जानवर हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक अफ्रीकन हाथी है जो कि बहुत ही बड़ा है। हालांकि पास जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से इसको जू प्रशासन ने, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब जालियाँ भी लगा दी हैं लोहे की, और इसी वजह से पास से देखने की अनुमति नहीं है। तो आप यहीं से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा भी है ये। तो इस चिड़ियाघर में आप आते हैं तो दोस्तों आपको आसानी से अफ्रीकन हाथी भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी जानवर दिखाते हैं। आइए दोस्तों आपको दरियाई घोड़ा दिखाते हैं जो कि हाथी के बाद सबसे ज़्यादा भारी वाले ये जलीय जीव होते हैं जो कि मूल रूप से अफ्रीकी देशों में पाए जाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर दरियाई घोड़ा है और इनका आकार भी बहुत बड़ा है और देखने में काफ़ी विशाल भी लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और ये पानी में ही रहते हैं। तो इस चिड़ियाघर में दोस्तों आप आते हैं तो आपको दरियाई घोड़ा भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं श्वेत मृग के बारे में दिया गया है और यहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर हिरण हैं। आप दोस्तों हिरण तो देखे होंगे लेकिन कभी सफ़ेद हिरण नहीं देखे होंगे, तो आज आप देख लीजिए। इस चिड़ियाघर में आएंगे तो आपको यहाँ पर सफ़ेद हिरण भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर सफ़ेद हिरण हैं, सैकड़ों की संख्या में दोस्तों यहाँ पर सफ़ेद हिरण हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि चिड़ियाघर में सफ़ेद हिरण भी देखने को मिल गया। तो दोस्तों अब चलिए आगे, आगे चलते हैं, आगे चल के आपको
और भी सारी चीज़ें दिखाते हैं। आइए इधर देखते हैं क्या है। ये तो दरियाई घोड़ा के बारे में ही दिया गया है, और दरियाई घोड़ा तो दोस्तों हमने आपको दिखाया, तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी जानवर दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक जंगली भेड़िया है, जो कि बहुत ही हिंसक जानवर होते हैं। आप देख सकते हैं इस चिड़ियाघर में आप आएंगे तो आपको ये जंगली भेड़िया भी देखने को मिल जाएगा, और देख सकते हैं इसमें दो जंगली भेड़िया हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको अब एक सफ़ेद शेर है वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जंगली भेड़िया के बारे में भी दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इस चिड़ियाघर में दोस्तों सफ़ेद शेर की जगह सफ़ेद बाघी देखने को मिल रहा है। इसमें सफ़ेद शेर तो नहीं है, लेकिन सफ़ेद बाघ हमको दो देखने को मिल गया, और आप देख सकते हैं वहाँ पर वो टहल रहा है बहुत ही आराम से। देख सकते हैं आप, सफ़ेद शेर देखने के चक्कर में सफ़ेद बाघी दिख गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में भी दिया गया है, और इसका ये गुफा भी बनाया गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी बहुत सारे जानवर दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सफ़ेद हिरन है, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप लोगों ने दोस्तों हिरन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन सफ़ेद हिरन शायद ही आप लोगों ने देखा होगा। तो आज आप देख लीजिए, इस चिड़ियाघर में आप आएंगे तो आपको सफ़ेद हिरन भी देखने को मिल जाएगा सिंह वाला, और मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो कोई ऐसा जानवर नहीं है जो कि आपको इस चिड़ियाघर में देखने को ना मिले, सभी तरह के जानवर इस चिड़ियाघर में देखने को आसानी से मिल जाते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी जो जानवर है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिस भी कर देंगे। ये चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे घूमने के लिए कम से कम आपके पास 2 घंटे 3 घंटे का टाइम रहेगा, तभी आप इस पूरे चिड़ियाघर को घूम पाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ अलग ही प्रजाति की ये हमको ये जानवर देखने को मिल रहे हैं। हमें लगता है ये भी हिरन ही है, और देखने में तो हमको बकरी की तरह लग रहा है। जो आप लोगों ने बकरी देखा होगा कुछ ऐसा ही इसका रंग रूप भी देखने में लग रहा है। तो ये जानवर भी हम पहली बार चिड़ियाघर में देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इस प्रजाति का ये जानवर नहीं देखा था। भैया जी, ये कौन से जानवर है? बकरी है, पहाड़ी बकरी। तो दोस्तों ये पहाड़ में रहने वाले ये बकरी हैं, पहाड़ों में रहते हैं, और मेरा अंदाज़ा सही निकला, क्योंकि ये देखने में भी बकरी की तरह ही लग रहे थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पहाड़ी बकरी नहीं देखा होगा तो आज आप देख लीजिए, ये पहाड़ में रहने वाले ये बकरी होते हैं, और बहुत तेज भाग भी रहे हैं। और मैं भी चिड़ियाघर में पहली बार देख रहा हूँ ये पहाड़ों में रहने वाला ये बकरी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। आइए दोस्तों आपको गौर दिखाते हैं, और ये जो गौर है यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में दिया गया है, गौर एक विलुप्त होती प्रजाति है या दुनिया का सबसे बड़ी गाय है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वो गौर है जिसे गाय बोला जाता है, और दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति भी माना जाता है। तो इस चिड़ियाघर में दोस्तों हम पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे चिड़ियाघर में हम जाते हैं लेकिन ये गौर किसी भी चिड़ियाघर में हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप दिल्ली के चिड़ियाघर में आएंगे तो आपको ये गौर भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर इसके बारे में भी दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी सारे जानवर दिखाते हैं। आइए दोस्तों आपको रॉयल बंगाल टाइगर दिखाते हैं, जो कि हर चिड़ियाघर के
ये सुबह बढ़ाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में भी दिया गया, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये बंगाल टाइगर कहाँ पर है। ये उसका ये बाड़ा बनाया गया है और यहाँ पर दोस्तों कुछ चेतावनी भी दिया गया है, तो आप जब भी आइए इस चीज़ को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर होते हैं, कुछ हिंसक कुछ खतरनाक भी होते हैं, तो आपके साथ कोई घटना ना घट जाए इसके लिए आप इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक बंगाल टाइगर है जो कि छांव की वजह से दिख नहीं पा रहा है, उसी गुफा के अंदर बैठा हुआ है। तो कैमरे में तो दोस्तों वो नहीं आ रहा है, लेकिन उसी में वो बैठा हुआ है। अगर वो बाहर आता तो शायद अच्छे ढंग से दिख पाता, अगर वहाँ धूप भी जाती तो भी दिख पाता, और धूप ना होने की वजह से वो दिख नहीं पा रहा है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, कभी से उसी में बैठा हुआ है और बाहर भी नहीं आ रहा है, और कब से मैं बंगाल टाइगर ही ढूंढ रहा था और जब मिला भी तो दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हमें बेहद खेद है कि हम चिड़ियाघर में आए और हमको ये बंगाल टाइगर तो हम अपनी आंखों से देख ले रहे हैं, लेकिन इन कैमरों में हमारे नहीं आ पा रहा है। जिसको भी अगर दिख जा रहा है तो दोस्तों हमें वो कमेंट करके ज़रूर बताए, क्योंकि देख सकते हैं वहाँ पर बैठा है, लेकिन ना दिखने की वजह से हमको भी काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, और हमें भी नहीं लग रहा है कि ये बाहर भी निकलेगा, क्योंकि बहुत ही आराम से बैठा हुआ है। हमें बहुत खेद है दोस्तों कि जिस चीज़ के लिए मैं इस चिड़ियाघर में आया था देखने के लिए, वो तो हमारी आंखों से दिख गया, लेकिन हमारे मोबाइल के कैमरे में वो अच्छे से दिख नहीं पाया। तो दोस्तों इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं, आगे आपको सांप घर दिखाते हैं जिसमें बहुत तरह तरह के सांप है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको अब सांप घर दिखाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एक टाइगर की चित्रकारी की गई है, उसका मूर्ति बनाया गया स्टैच्यू।